आप लोग, आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर के बारे में। जैसे आपको पहले पता है कि डीमन स्लेयर का एक या सीज़न पहले ही आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमें पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से पता लगती है। उसके बाद मूवी आई थी द मुर्गन मुर्गन ट्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दूसरी मूवी आई थी। उसके बाद दूसरा सीज़न आया था, दूसरे सीज़न में काफ़ी अच्छी लगे हमें। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के आगे, तंजीरो के यूरी शो के बारे में। अगर आप इसे देखेंगे तो ये फर्स्ट यूज़र है जिनने सन ब्रीदिंग स्टार्ट करी थी। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू होती है एक काफ़ी टाइम पहले से, जहाँ पे एक राजा था जिसके दो बच्चे हुए थे, यूरुची और उसका भाई, जो वन डीमन वो बन जाता है। तो क्या होता है, यूरुची जो होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो उसके सर पे निशान होता है। इससे पहले वाली इमेज जो हमने आपको दिखाई उसमें उसके सर पर निशान होता है। तो हमेशा क्या होता है कि उसके फादर को बोल देते हैं कि मारने के लिए जाता है, बट वो अपनी माँ की वजह से बच जाता है। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि जब ये 10 साल का होगा तो इसको हम टेंपल में भेज देंगे पुजारी बनने के लिए, क्योंकि उसके सर पर निशान होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसको एक छोटा सा कमरा दिया होता है जिसमें वो रह रहा होता है, जैसे आप इस इमेज में नीचे देखेंगे, ठीक है। और उसका जो छोटा भाई होता है वो हमेशा ये सोचता है कि ये कितना पिटीफुल है, कितना लाचार है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मम्मी के लेफ्ट साइड पर हमेशा रहता था। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना कि वो अपनी मम्मी के लेफ्ट साइड पे क्यों रहता था, वन डीमन मून बनने का क्या रीज़न था, ये भी आगे पता चलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यूरुची को बहुत दुख लगा होता है कि उसने उसके टीचर को मारा होता है, और ये काफ़ी दुखद घटना होती है। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका भाई उसे समझा रहा होता है कि तुम चले जाओगे ये वो, तो वो कहता है मैं बनना चाहता हूँ पर मैं बनूंगा नहीं, क्योंकि किसी को चोट पहुँचाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। वो सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ, बट उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है। बस इतनी कहानी होती है। इसके आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि वो उसका छोटा भाई एक बार आराम से सो रहा होता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया। उसका छोटा भाई को भी ये पता चलता है, बट वो चुप रहता है। वो फ्लूट जो होती है उसे वो लेता है और वहाँ से फिर हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसको तभी देखा होता है जब वो फ्लूट लेकर जा रहा होता है। बट यहाँ पे उसे पता चलता है उसकी माँ की डायरी से, जब वो देखता है कि इसकी माँ की जो डायरी है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उनका लेफ़्ट साइड का पोजीशन जो है वो पूरा का पूरा ख़राब था। इसी रीज़न की वजह से यूरुची जो था हमेशा अपनी मम्मी के लेफ्ट साइड रहता था, क्योंकि उन्हें चलने में दिक्कत थी, क्योंकि उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी होती है। यहीं से उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा जो छोटा भाई है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, बट मैं आज वहीं का वहीं हूँ, तो बहुत बुरा लगता है उसे। ठीक है, आगे यूरुची चला जाता है वहाँ से। यूरुची कभी वापस नहीं आता है। बहुत टाइम बीत जाता है, उसको यूरुची के छोटे भाई की शादी हो जाती है, शादी होकर उसके बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। ठीक है, एक दिन जब यूरुची का छोटा भाई ऐसे जा रहा था, डीमन से लड़ रहा था, तो उस डीमन की लड़ाई में यूरुची आता है। यूरुची को उस वो बचपन के बाद से आज देख रहा होता है, और वो इतना अच्छा स्वैडमैन बन जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे को अकेला छोड़ के बहुत बुरा किया। तो उसके पेट में वो दोबारा से वो जले से रहते थे कि मैंने इतनी हार्डवर्क करा सब किया, उसके बावजूद भी मैं उससे आगे नहीं जा पाया। और यही रीज़न होता है उसके सबसे बड़े हार का, क्योंकि वो जितना मर्जी कोशिश कर ले वो यूरुची से आगे नहीं बढ़ सकता था, हमेशा वो पीछे ही रहा। तब एक दिन मुजान मिलता और कहता है कि तुम डीमन बन जाओ, तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। और यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है उसके वन डीमन बनने का, क्योंकि वो एक स्वैडमैन होता है और बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए वो बनता है। यही इसके आगे का यही कहानी है कि जब वो इतने सालों बाद यूरुची से मिलता है, जब वो डीमन बन जाता है, तब भी वो उससे डर रहा होता है और यूरुची उससे फाइट कर रहा होता है, बट डीमन उसे मार देता है यूरुची को। तो यूरुची के जेब में तब भी वो विसल पड़ी होती है। और ये जो एंड का सीन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो डीमन मून वन डीमन मून है, जब वो मर रहा होता है तो उसके मरे हुए जिस्म से राख के बाद सिर्फ एक वो फ्लूटी बचती है।